विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार की घटनाएं तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने शिक्षक और विधायक को भिड़ते देखा है? ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां गांधी पार्क क्षेत्र के SV कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के लिए हेल्प डेस्क लगाने और न लगाने को लेकर विधायक और कॉलेज के शिक्षक आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, कॉलेज परिसर में ABVP कार्यकर्ता और पूरे कॉलेज के शिक्षक धरने पर बैठ गए। इस वजह से कॉलेज में लगभग 7 घंटे तक उथल पुथल मची रही। वहीं गहमा गहमी के बीच नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री चंद्रजीत यादव तथा कार्यकर्ता SV कॉलेज में हेल्प डेस्क लगवाने लगे, तभी कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर अनिल कुमार तथा अन्य शिक्षकों ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद मामला गर्म हो गया और सभी शिक्षक धरने पर बैठ गए। कैसी बात कर रहे हैं? हम आ रहे हैं, आप चलिए। अरे हमने आपको देखा नहीं भाई। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि कॉलेज की तरफ से हमने हेल्प डेस्क लगवाने की अनुमति नहीं दी और उनका आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 2:30 बजे हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए ABVP के, वो नेतागढ़, वो कहने लगे कि सर हम आपके अंदर यहाँ कॉलेज के अंदर हेल्प डेस्क लगाएंगे ताकि बच्चे की कोई समस्या। हमने कहा बेटा कोई समस्या हो तो बताओ, हमारे 3-3 हेल्प डेस्क है, सभी चल जाएंगे, और वो करना है तो कैंपस के आप जो बाहर हैं वहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि हमने एक संगठन को दे दिए तो कल NSOI वाले आएंगे, सपा वाले आएंगे, सब अपना आएंगे कि भाई हमारी हेल्प डेस्क लगाओ, हम भी अपना संगठन के रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, इसलिए हमने नहीं। और परीक्षाएं भी चल रही हैं, नूडल सेंटर है, तो इस तरह से चीज़ें आप उस तरह से कर लीजिए। तो उन्होंने वो नहीं माने और अब आके हमारे शिक्षकों से या मुझसे बहुत ही अभद्रता का व्यवहार करने लगे। साथ ही मामले के तूल पकड़ने पर कई अन्य नेता भी कॉलेज पहुंच गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों को बेवजह सब्जेक्ट लेने के लिए बाध्य कर रहा है, इसलिए हम छात्रों की मदद के लिए हेल्प डेस्क लगवाना चाहते थे, छात्रों के हित में और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विद्यार्थी परिषद ने 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी 2 दिन पहले से ही महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी UGC नियम के, बिना किसी नई शिक्षा नीति के आधार पर, बिना किसी विश्वविद्यालय के नियम के आधार पर अपने अकॉर्डिंग नियम बना लिए हैं कि हम किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट देंगे, जबकि नियम ये है कि कोई सब्जेक्ट बच्चा अगर हायर नंबर लेके आया है तो उसकी इच्छा अनुसार, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति में भी है, उसकी इच्छा अनुसार उसको सब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए मांग की है कि भाई ये जो सब्जेक्ट जिन बच्चों के उसकी इच्छा अनुसार मिले, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम अपने सारी काम करेंगे। हालांकि इसके बाद भी शाम तक कोई परिणाम नहीं निकल सका। विद्यार्थी परिषद और BJP नेताओं के बढ़ते दबाव के चलते हेल्प डेस्क लगवाने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि हेल्प डेस्क प्रोक्टोरियल टीम के टेबल के पास होगी। फिलहाल कॉलेज में माहौल सामान्य हो गया है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अलीगढ़ से मुकेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।